नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पुराने समय से ही भारत अपने आर्किटेक्चर की वजह से दुनिया में जाना जाता था। पुराने किलों से लेके ताजमहल तक हर स्ट्रक्चर इस बात का गवाह है। और उसी का एक जीता जागता उदाहरण है असम में मौजूद ये रंगघर। असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को अहोम आर्किटेक्चर में गिना जाता है। दोस्तों, असमीस में रंगघर का मतलब होता है हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। इस दो मंजिली इमारत को ईंट से बनाया गया था और अहोम राजा इसे एक रॉयल स्पोर्ट्स पवेलियन के रूप में यूज करता था, जहां बैठ के वो लोग गेम एंजॉय करते थे। और रंगाली बिहू के दौरान रंगघर में काफी सारे गेम जैसे बुल फाइट, एलिफेंट फाइट और रेसलिंग जैसे गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और रंगघर एक रॉयल पवेलियन होने के साथ साथ इन गेम्स को आसपास के इलाकों में पॉपुलर करने में भी काफी असरदार रहा था। अभी ये खूबसूरत मॉन्यूमेंट शिवसागर शहर से 3 किलोमीटर दूर असम ट्रंक रोड के किनारे मौजूद है। और ऐसा माना जाता है कि रंगघर एशिया का सबसे पहला पवेलियन होने के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना सर्वाइविंग एम्फीथिएटर भी है। दोस्तों, कोई भी गेम या फिर कॉन्टेस्ट एंजॉय करने के लिए बनाया गया ऐसा सर्कुलर बिल्डिंग को एम्फीथिएटर बोला जाता है। दोस्तों, रंगघर को अहोम राजा प्रमत्त सिंह ने सन 1744 से लेके 1750 के बीच में बनाया था। रंगघर का ऊपर वाला हिस्सा एक उल्टा नाव की तरह है और ऊपर पत्थर से बने दो क्रोकोडाइल भी बनाए गए हैं। दोस्तों, अहोम राजाओं ने रंगघर को बनाने के लिए सीमेंट की जगह चावल, अंडे, मछली और एक दाने का पेस्ट यूज किया था, जो कि काफी मजबूत और चिपचिपा था। और उन्होंने रंगघर के इनर वॉल में लाइम पाउडर लगाया था ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। दोस्तों, 18 सेंचुरी में बना इस एम्फीथिएटर को काफी सारे भूकंप सहने पड़े हैं, जिसके वजह से रंगघर के वॉल में 35 से भी ज्यादा क्रैक्स नोटिस किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अपने शानदार आर्किटेक्चर की वजह से असम का ये मॉन्यूमेंट आज भी शान से खड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।